हेलो, वेलकम बैक। दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक देखूंगा प्रोटेक्टिव जोन, यानी रिले को किस तरीके से जोन वाइज बांटे जाते हैं और इसके क्या प्रिंसिपल रहते हैं, तो इनकी चर्चाएं होने वाली है। ओके, सो ये क्या होता है, एक बार मैं आप लोगों को सर बता दूं कि इसके रिगार्डिंग जो प्रोटेक्टिव जोन्स होते हैं, जो प्रोटेक्टिव जोन होते हैं मतलब पूरा जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन फीडर तक और जो यूटिलाइज होते हैं वहां तक हम सिस्टम को अलग अलग पैरामीटर में बांटते हैं, अलग अलग सेक्शन में बांट देते हैं। यानी ऐसा नहीं कि एक ही रिले लगाया जनरेटिंग स्टेशन पे तो यहां लगाया तो यहां तक को देखेगा, नहीं, रिले को डिफरेंट डिफरेंट जोन में बांट दिए जाते हैं। मतलब कि सपोज दैट, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर कोई पावर प्लांट डेवलप हो रहा है, दिल्ली के अंदर कोई पावर प्लांट है और उससे स्पेशली पटना आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो दिल्ली से पटना के दौरान क्या होगा, जनरेशन, देन स्टेप अप, देन ट्रांसमिशन, फिर कई जगह बीच में ग्रिड यूज होंगे, फिर आपका यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन, देन यूटिलाइजेशन। ये कई सेक्शन में जो बंट रहे हैं ना, इनको हर जगह सेक्शन वाइज हम रिले का उपयोग करते हैं, कभी एक साथ अपन रिले का उपयोग नहीं करते कि जनरेटिंग स्टेशन पे एक बार लगा दिया दिल्ली में तो वही कंट्रोल करेगा पटना में, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कोई पटना में फॉल्ट हुआ तो वो ट्रिप कहां करेगा, दिल्ली में। ऐसे कभी यूज नहीं करते, तो ऐसे क्या हो गया, यहां कोई फॉल्ट हुआ तो पूरा सिस्टम ही बंद हो गया आपका, तो इसको एक बढ़िया सेफेस्ट नहीं कह सकते। जोन वाइज बांटा जाता है रिले के प्रोटेक्टिव सिस्टम को। Now, ये किस तरीके से होता है, इसकी 6 जोन मिलनी होते हैं तो इसकी चर्चा करते हैं। ये जोन जो होते हैं, जनरेटर जोन, उसके बाद ट्रांसफार्मर, बसेस, सबको इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, तो चलिए पहले इसके प्रिंसिपल को देखते हैं सर, एक बार प्रिंसिपल को देखते हैं। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिले एप्लीकेशंस, रिले को कैसे यूज करते हैं। कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्चुअली रिले होता क्या है। नाउ कह रहा है, The पावर सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू प्रोटेक्शन जोन। पूरे पावर सिस्टम को, जितने भी आप पावर सिस्टम देखते हो ना, ये देखो क्या हुआ, जनरेशन है, ट्रांसफॉर्मर है, फिर आपका बस बार के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन है। ओके, फिर ट्रांसमिशन लाइन आपका जा रहा है, फिर स्टेप डाउन होगा और यहां पे आपका फाइनली यूज होगा। पूरा जो जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है, इसी के बारे में बोल रहा गया है। यहां पर देखिए, इज डिवाइडेड इंटू प्रोटेक्टिव जोन, अलग अलग सबको जोन में बांट दिया जाता है। ओके, डिफाइंड बाय द इक्विपमेंट एंड द अवेलेबल सर्किट ब्रेकर्स, और जिसको डिफाइन किया जाता है कि वो इक्विपमेंट्स एंड द अवेलेबल सर्किट ब्रेकर, क्योंकि कोई भी सर्किट ब्रेकर, सपोज दैट कहीं ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आया तो ट्रांसफार्मर के आसपास वाला ही सर्किट ब्रेकर क्या करे, ट्रिप करे। ओके, सो ऐसे कंडीशन में वहां पर रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, नाउ 6 कैटेगरी, पूरे ट्रांसमिशन यानी जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन में टोटल कितने कैटेगरी बनाए गए सर, 6 कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्शन जोन आर पॉसिबल इन ईच पावर सिस्टम। पूरे पावर सिस्टम में जो कैटेगरी बनाए जाएंगे जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक, टोटल कितने कैटेगरी होनी चाहिए, 6। पहला कैटेगरी का बोला है जनरेशन एंड जनरेटर ट्रांसफार्मर, पहला कह रहा है कि जनरेशन, जनरेटर एंड जनरेटर ट्रांसफार्मर यूनिट, मतलब कि जनरेट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे 11 केवी पर जनरेट हुआ तो तुरंत उसको हायर 132 केवी पे आपको, या फिर 220 केवी पे हायर वोल्टेज पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। जनरेटर के साथ यूनिट कौन आ गया आपका, ट्रांसफार्मर का भी। एक सेक्शन तो वहीं का हो गया। पहला सेक्शन क्या है, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, दूसरा यूनिट क्या रहा, ट्रांसफार्मर है ना, तीसरा कह रहा बस बार, बस बार जो होते हैं, चौथा लाइन्स, लाइन्स में कौन कौन आएगा, ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा जहां से गया ट्रांसमिट हुआ, सब ट्रांसमिशन, बीच में सब ट्रांसमिशन भी आएगा, उसके इधर चला गया, उधर चला गया, मतलब ट्रांसमिशन से कई सब ट्रांसमिशन बढ़ जाते हैं ना, ब्रांचेज, उसके बारे में बोल रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी। और पांचवा है यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट, मतलब यूटिलाइज जो कर रहा है, जैसे मोटर आपको सेफ रखना पड़ेगा, स्टेटिक लोड्स और अदर, जो लोड है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, लोड होगा। एंड छठा है कैपेसिटर, रिएक्टर और बैंक्स, सेपरेटली प्रोटेक्टेड,
कैपेसिटर, क्योंकि आपको पता है ना रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज रेगुलेशंस के लिए, शंट सीरीज रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए। सो टोटल 6 पैरामीटर है ट्रांसमिशन लाइन में जिसको आपको सेफ रखना है, हर जोन वाइज बांट के रखना है। ऐसा नहीं कि एक जगह यहीं पे लगा लिया और वो करता है 5000 किलोमीटर की कंट्रोलिंग, ऐसा नहीं होता, जोन वाइज कंट्रोल होता है। इतने दूर की हम सेफ करेंगे, इतने दूर के कंपोनेंट को हम सेफ करेंगे, इतने दूर को जोन वाइज बांटते हैं, उसी को बोलते हैं जोन प्रोटेक्शन। ओके, मोस्ट ऑफ दीज जोन्स आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर, जो आगे फिगर में दिया गया है। ऑल्दो द फंडामेंटल ऑफ प्रोटेक्शन आर क्वाइट सिमिलर, ओके, ईच ऑफ दीज सिक्स कैटेगरीज हैज प्रोटेक्टिव रिलीज स्पेशली डिजाइंड फॉर प्राइमरी प्रोटेक्शन देन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपमेंट बींग प्रोटेक्टेड। So, क्या कह रहा है कि although the fundamental of protection are quite similar, ये जो fundamental होते हैं जो फिगर में दिखाए गए जोन वाइज प्रोटेक्शन, उस सब में जो आप सर्किट ब्रेकर और रिले का इस्तेमाल करेंगे उसके प्रोटेक्टिव जोन ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे आपको ईच ऑफ सिक्स कैटेगरी, सभी कैटेगरीज में प्रोटेक्टिव रिलेज स्पेसिफाइड डिजाइंड फॉर प्राइमरी प्रोटेक्शन दैट आर प्रोटेक्टिव रिले स्पेसिफाइड डिजाइन फॉर प्राइमरी प्रोटेक्शन दैट आर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्टर, यानी इक्विपमेंट कैसा लगा है इन पे निर्भर करता है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन में किस टाइप के इक्विपमेंट लगे हैं जिसको प्रोटेक्ट किया जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम वहां पे रिले का इस्तेमाल करते हैं। सर देखिएगा रिले अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कहां पे ट्रांसफॉर्मर में किस तरीके का रिले लगाना है, जनरेटर में कैसा लगाना है, ट्रांसमिशन के बस बार में कैसे लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लगाना है, मोटर में कैसे लगाना है, जैसे हमने मोटर का भी सर्किट रिले देखा था, सर्किट ब्रेकर देखा था, तो उसमें रिले भी लगाने हैं अपने। सो सब जगह अलग अलग टाइप के जोन वाइज जो डिवाइड कर रहे हैं वहां कैसा रिले लगेगा ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। तो आइए एक बार देखते हैं जोन वाइज। तो जोन ट्रांसमिशन लाइन को टोटल हमने बोला कि कितने जोन में बांटा गया सर, 6 जोन। वो कौन से प्रोटेक्टिव जोन में जो बांटे गए सर, पहला जनरेशन जनरेटर यूनिट या जनरेटर ट्रांसफॉर्मर यूनिट, दूसरा ट्रांसफॉर्मर यूनिट, आप सिर्फ जनरेटर भी यूज कर सकते हो कोई नहीं, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर तो बोलता है तुरंत स्टेप अप करना, इसीलिए अदरवाइज सिर्फ आप जनरेटर कर सकते हो, दूसरा ट्रांसफॉर्मर, तीसरा बस बार, चौथा लाइंस, लाइंस में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लाइन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट, यूटिलाइजेशन में जैसे मोटर चाहे वो यूज कर रहे हो या कोई और लोड यूज कर रहे हो, चक्की यूज कर रहे हो, सो उसको प्रोटेक्ट करना आपको। नेक्स्ट पादमा कैपेसिटर बैंक या रिएक्टर, वहां स्पेस सेपरेटली प्रोटेक्ट, अगर इसको आप सेपरेटली प्रोटेक्ट करना चाहो तो कैपेसिटर बैंक या रिएक्टर का भी जो होता है उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब ये पूरे देखिए इस तरीके से है, इसको मैं बता देता हूं अगर किसी को पता नहीं होगा, ये जनरेशन सिस्टम है, ये क्या है सर जनरेशन, उसके बाद जस्ट इसके ट्रांसफार्मर, क्योंकि स्टेप अप करना होता है, 11 केवी पे ट्रांसमिशन तो होता नहीं, इसको बढ़ाना पड़ता है। सो ये मान लो अगर मैं कहता हूं 11 केवी बटा 220 केवी वोल्टेज लेवल का होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटेक्ट करेगा इस ट्रांसफार्मर को। फिर देखिए ये क्या है सर सर्किट ब्रेकर, ये क्या है हमारा सर्किट ब्रेकर, ये सब क्या है सर रिले, ये सब क्या है रिले का इस्तेमाल किया गया, देखिए ये हमारा क्या है सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, ओके सर्किट ब्रेकर। और आपको पता है सर सर्किट ब्रेकर बिना रिले का ऑपरेट होता नहीं, ये क्या आपका लोड, ओके ये क्या है लोड, कोई भी सर्किट ब्रेकर क्या होगा सर, यहां बीच में लगा दिए ये, इसको यहां कोई फॉल्ट आया तो ये डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन ये कैसे डिस्कनेक्ट हो अपने आप, नहीं सर, सबसे पहले कोई फॉल्ट सपोज दैट यहां आ गया, यहां कोई फॉल्ट आ गया, देखना तो फॉल्ट आया तो सबसे पहले इसको सेंस करेगा कि अरे एक लिमिट से ज्यादा करंट बह रहा है, तो ये रिले सेंस करेगा, ये क्या करेगा सर रिले इसको सेंस करेगा, और रिले सेंस करके किसको सिग्नल देगा सर सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर क्या होगा ट्रिप कर जाएगा, सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा सर ट्रिप कर देगा। ओके, और इस तरीके से आपका जोन प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्लियर। सो इस तरीके से चीजें होती है, ट्रांसफॉर्मर सर्किट ब्रेकर, ओके फिर ये ट्रांसमिशन लाइन आया, मान लो कि दिल्ली से चला और आगरा तक गया, है ना, आगरा तक गया, फिर स्टेप डाउन हुआ क्योंकि यूज करेगा उसको 220 वोल्ट पे यूज करेगा नहीं, फिर इसको डाउन कर देगा कितना 220 केवी को डाउन कितने से कर देगा सर 11 केवी पे, और फिर आगे मोटर वगैरह यूज होगा जहां पे करना है कर लिए। तो जोन ऑफ प्रोटेक्शन देखिए किस तरीके से दिखाया गया, देखिए जनरेटर ट्रांसफॉर्मर का एक जोन है इसको बांट दिया यहां पे, ये देखिए
है ना, यहाँ रिले तो लगा है, जनरेटर ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का जोन अलग ही बांट दिया, देखिए ट्रांसफार्मर का जोन अलग ही है ना। नेक्स्ट ये देखिए बस बार, बस जोन, इसको क्या बोला है सर, बस जोन, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना बस जोन, मैं इसको हटा देता हूँ, समझा समझ लिए होंगे, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको पता चले किस तरीके से ये बस जोन है, ये बस बार है सर आपका, तो इसको प्रोटेक्ट करना है। देखो इससे इधर भी सर्किट ब्रेकर, इससे इधर भी सर्किट ब्रेकर, रिले तो है ही सेंस करने के लिए किसी भी कंडीशन को, तो जैसे ये बस का जोन बना दिया तो बस जोन हो गया, जोन वाइज हम चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ अब ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो कुछ दूरी तक ट्रांसमिशन लाइन को ये अडेप्ट करेगा, ये देखिए यहाँ ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, देखिए सर फिर बस आ गया, फिर बस जोन आएगा, ये बस जोन आ गया, ओके, यहां सर्किट ब्रेकर और रिले का इस्तेमाल है, फिर ट्रांसफार्मर आएगा, फिर ट्रांसफार्मर का जोन आ जाएगा, ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर इधर है और दोनों तरफ से प्रोटेक्ट हो गया, ओके। सिमिलरली ये कोई लोड है, फिर यहां देखिए बस जोन है, बस का, फिर लोड है, लोड के पास सर्किट ब्रेकर, कोई फॉल्ट आएगा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देगा, ओके। तो इस तरीके से आप टोटली चीजें प्रोटेक्टेड होती है, और प्रोटेक्टेड ऐसा नहीं, फिर मोटर का अपना जोन है, ये देखिए मोटर जोन, ओके। सो ये मोटर का जोन अपना बना दिया, ये देखिए है ना। सो सब सिस्टम जोन वाइज प्रोटेक्टेड होता है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ कोई फॉल्ट आया तो एक सर्किट ब्रेकर सबको कंट्रोल कर लेगा, ऐसा संभव नहीं होता। सो इसीलिए जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, इसके मेन प्रिंसिपल होता है चीजों को जोन वाइज बांटना और जोन वाइज कंट्रोल करना। अब सर्किट ब्रेकर में जोन वाइज बांटने से देखिए कई चीजें होती है, अब ये रिले भी कई टाइप के रिले होते हैं, रिले कई टाइप के होते हैं, एक तो हो गया कि वही लगा हुआ है सीटी टाइप का करंट ट्रांसफार्मर, वो सिग्नल दिया ट्रिप किया, कई रिले पायलट टाइप के होते हैं, मतलब रिले नहीं है, ट्रांसमिशन में कोई रिले नहीं लगा, यहाँ कुछ कुछ कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अपन लगाकर छोड़ देंगे और अपन सब स्टेशन के पास बैठ जाएंगे, ट्रांसमिशन हो सकता है 500 मीटर दूर से गुजर रहा हो, अपन सब स्टेशन में बैठे हुए, वहां कोई फॉल्ट हुआ तो एक सिग्नल आ जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अपने पास आएगा, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सिग्नल डिटेक्ट करेगा और चेक करेगा एबनॉर्मल कंडीशन है क्या, और वो सिग्नल भेज देगा तुरंत वहां पे बैठे सर्किट ब्रेकर को, और वो क्या कर देगा सर, ट्रिप कर देगा। सो तो सर्किट ब्रेकर सिर्फ एक ही तरीके का नहीं होते कि वहीं लगा रहेगा, बहुत सारा चीज ऑटोमेटिक पायलट कंट्रोल भी होता है, यानी आपका ट्रांसमिशन लाइन या सब स्टेशन कहीं और है और उसके दूर में कंट्रोल रूम से चीजें कंट्रोल हो रही है, ठीक है ना, तो ये भी चीज का ख्याल रहे। और भी टाइप होते हैं सर, बहुत तरीके के, इसमें मैं पढ़ाऊंगा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं, उसके बाद इंडक्शन टाइप होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप होते हैं, ओके, अट्रैक्शन टाइप होता है, तो रिले के बहुत सारे टाइप है। तो सो मेन फंक्शन क्या है सर, रिले, यहां पे मैं ये चीज बताने वाला हूं, ये बताया कि रिले जो है अपना, रिले जो है वो जो है जोन वाइज बांटे जाते हैं पूरे ट्रांसमिशन लाइन को सेफ करने के लिए। दूसरा, रिले एक ही टाइप के नहीं, ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हाँ ट्रिप करवा के उस चीज को प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन रिले कई तरीके के यूज किए जाते हैं हमारे पूरे पावर सिस्टम में, जो अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, पायलट प्रोटेक्शन होते हैं, डिफरेंशियल टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं, अभी मैं बहुत सारे रिले आपको करवा दूंगा इस वीडियो के बाद, टाइप्स ऑफ रिले किसके आधार पे कैसा होता है, और उस सब रिले को आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे सर कम से कम 30-50 टाइप के रिले होते हैं, ओके। नो एडेज आप स्टडी नहीं करते, पर न्यूमेरिकल रिले सबसे ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ओके। सो उनकी भी चर्चा होगी, लेकिन अब हमको ये देखना है कि कई चीजें, देखिए इसके बाद के लेक्चर में, ये तो जोन ऑफ प्रोटेक्शन प्रिंसिपल तो था कि इसको प्रोटेक्ट करना है सर, अब देखिएगा अभी मैं स्टडी इसके बाद के लेक्चर में क्या करूंगा वो भी मैं आपको एक आगाह करता हूं। मान लो कि कोई मोटर में फॉल्ट आ गया, पहला रिले ट्रिप नहीं किया, तो मामला तो गड़बड़ हो गया, मान लो कोई रिले आया और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं किया तो वो तो डैमेज हो जाएगा, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन या बस बार जो इसको सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होना चाहिए था वो ऑपरेट नहीं हुआ, तो क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, सो एक तरीके वो डैमेज होगा। सो हर सिस्टम को बचाने के लिए एक एडिशनल चीजों का उपयोग करते हैं जिसको बोला जाता है बैकअप प्रोटेक्शन। सो मोटर को बचाने के लिए अगर आपने एक नॉर्मल प्रोटेक्शन यूज किया है तो इसके पीछे एक और, अगर वो फेल कर गया, वो ऑपरेट नहीं हुआ, तो एक और रिले का उपयोग करते हैं, उसको बोला जाता है बैकअप प्रोटेक्शन। सपोज दैट खासकर छोटे छोटे, जिस जो इतना महंगा नहीं है, जिसके जलने से सर अपने को फर्क नहीं पड़ता, उसमें बैकअप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन खासकर जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जैसे कि जनरेशन, वो डिस्टर्ब हो गया तो
पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, समझिए सब चीज रुक जाएगा, है ना। सो जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं हमारे पावर सिस्टम के, इसीलिए इसके बैकअप प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर मान लो यहां पे इस जनरेटर, ये ट्रांसफार्मर है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आया तो मतलब भाई ये मान लो सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं किया, मतलब ये सेंसर, ये रिले नहीं सेंस किया होगा, तो एक और रिले का उपयोग करेंगे यहाँ पे, है ना, दो दो रिले का, सर उसका कनेक्शन किससे कर देंगे, सर्किट ब्रेकर से। कोई एक देखे, एक फेल किया तो दूसरा ऑपरेट कर जाना चाहिए, उसको बोला जाता है बैकअप प्रोटेक्शन। ओके, और कई बार दो दो सर्किट, जब चीजें बहुत कॉस्टली हो, हैवी हो, तो वैसे कंडीशन में तो दो दो सर्किट ब्रेकर का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब दो रिले दो सर्किट ब्रेकर। लेकिन जब नॉर्मल नॉर्मल केस में सर्किट ब्रेकर एक ही और रिले दो दो यूज करते हैं कि एक सर्किट ब्रेकर सेंस नहीं किया तो दूसरा सेंस करके उस रिले को ऑपरेट कराए, तो हम ये भी कंडीशन पढ़ेंगे कि कोई रिले अगर फेल कर जाता है तो उसके क्या पैरामीटर होते हैं जिसपे वो फेल करने की चांस होती है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपने सीखा होगा। इस डायग्राम को थोड़ा क्लियरली विजुलाइज करने के लिए मैं आगे एक पिक्चर में और लिया हूं, इसको पहले आप समझिए। ये देखिए जनरेटर, यहां क्लियर दिख रहा होगा, ये जनरेटर है, ये ट्रांसफार्मर है आपका, ये तो जनरेटर है, दिख भी रहा। ओके, ये ट्रांसफार्मर, ये लिखा भी हुआ है। अब देखिए जिस जोन को यहां सर्किट ब्रेकर है, सब ये क्या है सर, सर्किट ब्रेकर है, सब क्या है, सर्किट ब्रेकर है। और ये डॉट डॉट आगे दे दिया है कि आगे और जुड़ेगा, चूंकि ये लंबाई कम है, एक साथ नहीं दे सकता, सो ये भी एक चीज है। तो समझिएगा, जनरेशन को एक जोन में बांट दिया, जैसे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना है सर, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन यहां से कर दिया, ये ट्रांसफार्मर जोन हो गया, ट्रांसफार्मर का जोन हो गया। ये देखिए जनरेटर को हमने प्रोटेक्ट किया तो यूनिट जनरेटर ट्रांसफार्मर जोन हो गया। ओके, अब बस को अब प्रोटेक्ट करना है तो यहां से लीजिए यहां तक, ये लीजिए ये रिले है हमारा, ये सब सेंसिंग सिटी टाइप करंट ट्रांसफार्मर होंगे, यही सेंस करेगा, इस सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा, ऑपरेट होगा। तो ये कैसा जोन हो गया सर, बस जोन हो गया, इसको क्या बोल दिया, बस जोन बोल दिया। सो लाइन है, अब बहुत दूर तक लाइन जाएगा, है ना, तो लाइन गया तो ये इस तरीके से इसको लाइन जोन बोल दिए। फिर आगे देखिए, फिर बस आ गया रास्ता में, तो बस, बस क्या होता है सर, बस को मैंने कई बार बताया, जहां पे कोई चीज मल्टीपल कनेक्शन आए, मल्टीपल कनेक्शन जाए, या फिर कहीं एक सॉलिड कनेक्शन आपके आए और इससे मान लो इधर इधर चार जगह बांटना है, तो चार जगह इसे थोड़ा तार जोड़ देंगे, नहीं जोड़ सकते, तो बस बार का इस्तेमाल करते हैं। बस बार मतलब एक सॉलिड बार, ये देखिए, ये देखिए क्या किया, यहां टाइट से एक सॉलिड कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, इसी को बोला जाता है बस, है ना, एक कंडक्टर, एक कनेक्शन आया, लेकिन मल्टीपल कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, सबको नॉट बोल्ट से टाइट करेंगे आप, बस इसको बस बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि यही जाके तार जोड़ते जाएंगे, ये घरों का तार नहीं है, दो बल्ब को ऐसे जोड़ के काम चला लेंगे। ओके, सो आप इसको बस बोलते हैं, जहां हायर पावर रेटिंग के लिए काम होता है, 132 के भी, 765 के भी के लिए भी अगर यूज हो ना तो भी बस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, 220 के भी हो तब भी, 133 के भी हो तब भी, 765 के भी हो तब भी, हर एक वोल्टेज लेवल के लिए बस का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। ओके, ये लाइन इस तरीके से सर जोन वाइज आप बांटते, आगे ये लाइन में और जुड़ेगा, आगे मैं दिखाऊंगा, ये तो अभी आधा ही है, आप लोग एक साथ कर लेना इसको, ये मैं अभी आधा दिखाया हूं, आधा और दिखाता हूं, आगे और जुड़ेगा ये चीजें। देखिए फिर उस जहां वो एंड हुआ, यहीं से ये चीजें जुड़ेंगी, ये जुड़ेगा यहां से, फिर बस आया, सर्किट ब्रेकर है, ये सेंसर है, रिले सेंस करेगा, सिग्नल भेजेगा, तब वो ट्रिप करेगा अगर कोई फॉल्ट हो गया तो, है ना, कोई फॉल्ट हो गया तो। सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर है, यूटिलाइज हो रहा है, मोटर है, ये मोटर है, अब मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए मोटर जोन हो गया, ये क्या हो गया, लोड जोन हो गया, ये कैसा हो गया सर, आपका लोड जोन या मोटर जोन। मोटर जोन हो गया, ओके, ये बस जोन हो गया, बस को प्रोटेक्ट करता है तो बस जोन हो गया। ये देखिए ट्रांसफार्मर जोन है, ट्रांसफार्मर फिर स्टेप डाउन करेगा तो ट्रांसफार्मर जोन हो गया। तो इसको सर आप बढ़िया से इसको लिख दोगे फिगर में, आपको सब ट्रांसमिशन, अब ये ट्रांसमिशन से सब ट्रांसमिशन, मतलब बहुत अलग अलग लाइन में भी तो जा सकता है ना, सब ट्रांसमिशन कंडीशन बताया गया, तो सब ट्रांसमिशन लाइन जोन, है ना, मतलब कि सब ट्रांसमिशन, मतलब एक तो अभी एक सिंगल लाइन डायग्राम में बता दिया, मान लो कोई बस ऐसा आया तो इधर भी तो जा सकता है, इधर भी तो जा सकता है, मान लो ऐसा थोड़ा नहीं कि दिल्ली
टू पटना ही जगह है, एक ट्रांसमिशन लाइन दिल्ली से पटना ही भेजेगा, यहां तो कानपुर में भी बंट सकता है। ओके, कभी मन किया इसको तो ये हो सकता है कहीं और भेज दे, भोपाल भेज देगा, भोपालो जाएगा। सो अलग अलग रूट में जाएगा, इधर भी प्रोटेक्शन फिट लगेगा, इधर भी प्रोटेक्शन लगेंगे, जोन लगेगा। सो उसको सब ट्रांसमिशन लाइन जोन भी बोलेंगे। सो अलग अलग सेक्शन में बढ़ते चले आते हैं, तो इस तरीके से चीजें होती है। इसको टाइपिकली रिले प्राइमरी प्रोटेक्शन जोन इन पावर सिस्टम, ये अभी प्राइमरी प्रोटेक्शन है, प्राइमरी प्रोटेक्शन है। और मेनली सर जो अपन सेकेंडरी प्रोटेक्शन जिसको बोलेंगे वही होगा बैकअप प्रोटेक्शन, उसके भी क्लास आगे आएंगे जिसमें यह पता चलेगा बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है। तो आज की क्लास के हमने क्या टारगेट देखा कि पावर सिस्टम में जो हमारे होते हैं प्रोटेक्टिव जोन डिफरेंट डिफरेंट जोन वाइज बनाए जाते हैं, एक साथ कभी नहीं होता कि जनरेशन में हमने रिले लगाया तो वही काम करेगा लोड तक का, नहीं, इसको अलग अलग जोन में बांटे जाते हैं, सब जोन के नाम होते हैं रखे जाते हैं, हर जोन के लोड के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम अपने तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक जो भी होंगे उसके तरीके से स्टडी करके तब वहां पे सर्किट ब्रेकर और उस टाइप के रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो यही है आज के सेक्शन में कि आपको जोन वाइज देखना था क्या प्रिंसिपल ऑपरेशन होते हैं सर्किट का, मेनली जो यही होता है सर्किट का। और फिर अब यहां तो अभी आपने ये देखा कि ठीक है रिले ट्रिप करवा दिया, सर्किट ब्रेकर से ऑपरेट हो गया ना, अब ये सर्किट ब्रेकर अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सारी चीजों की चर्चा अगले वीडियो में करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक।